नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि अब बस शुरू ही होने वाली है और हम सब इस पावन अवसर पर देवी माँ की सेवा करते हैं, उपवास रखते हैं। तो आइए इस नवरात्रि की शुरुआत मीठे से करें। आज हम बनाने वाले हैं मीठे रतालू, इसको स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है। हमने लिए है 2 मीडियम साइज़ के रतालू, उसका मैंने छिलका निकाला है। ये 1/2 कटोरी जैगरी पाउडर है, आप इसकी जगह शक्कर या गुड़ भी यूज कर सकते हो, और ये घी। अब हम इस रतालू को कट करेंगे। ध्यान रहे रतालू के पीसेस ज़्यादा मोटे या ज़्यादा पतले ना हो, मीडियम थिकनेस को रखेंगे और इसके कट होने के बाद हम इसको पानी में डालेंगे। आप पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो। देखिए इधर हमारे ये पीसेस रेडी होकर बन चुके हैं। अभी दूसरा रतालू भी हम वैसे ही तैयार करेंगे। और यहाँ ये रेडी हो चुके हैं, इसको मैंने एक बार वॉश कर लिया है। अब एक कढ़ाई गरम होने के बाद थोड़ा सा घी डालिए 1 चम्मच, और उसके बाद अब हम ये रतालू डालेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। बीच बीच में आप चलाते रहिए और थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये सॉफ्ट पक जाए। अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहिए। अब ये रेडी हो गया है। आप इसको अभी चेक करेंगे कि कैसे ये रेडी होता है। ये ज़्यादा मैशी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो ये पूरा बिगड़ जाएगा। देखिए अब मैंने इधर एक फोक की सहायता से चेक किया और ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जैगरी पाउडर। मैंने इधर 1/2 कटोरी जैगरी पाउडर यूज़ की है। आप अपने स्वादानुसार भी आपको जितना स्वीटनेस चाहिए उतना आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैगरी पाउडर बिल्कुल मतलब एकदम इजी होता है उसको यूज़ करना, ये जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे और थोड़ा सा घी। घी से इसकी शाइनिंग बढ़ जाती है और टेस्ट भी। और थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे और सर्व करेंगे। देखिए अब हमारा ये स्वीट रतालू रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।